हेलो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग बाई साइक्लो कम्पाउंडस का आयूपीएस नामोन क्लेचर देखेंगे बाई साइक्लो कम्पाउंड होते क्या हैं तो यहाँ पे एक एग्जांपल्स का रिंग मैंने बनाया हुआ है दो रिंग आपस में जुड़े हुए हैं तो हम लोग बाई साइक्लो कह रहे हैं पर इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए दो रिंग आपस में कैसे जुड़े होंगे तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मैंने कंडीशन वेन टू साइक्लिक रिंग्स आर कनेक्टेड विथ कॉमन टू और मोर कार्बन आइटम दो या दो से अधिक कार्बन आइटम से कनेक्ट होंगे तो ही उसको बाई साइकिल कहेंगे ना तीन से हो सकते हैं चार से हो सकते हैं पांच से हो सकते हैं जैसे यहां पे मैंने क्या दिखाया है कि एक रिंग ये है और दूसरा रिंग ये है और ये कनेक्टेड है एक यहाँ कार्बन है एक यहाँ कार्बन है तो दो कार्बन से कनेक्टेड है यहाँ पे भी एक रिंग ये है एक रिंग ये है और ये दोनों रिंग कैसे कनेक्टेड हैं? दो कार्बन से कनेक्टेड है ऐसा हो सकता है कि एक दो तीन वन टू थ्री और ये अब यहां पे देखो दो रिंग है फर्स्ट वाला रिंग ये वाला है और सेकंड वाला रिंग ये वाला है यहां पे कितने कार्बन से कनेक्टेड है ये एक दो तीन चार तो दो या दो से अधिक कार्बन से कनेक्टेड होने चाहिए तीन हो सकता है चार हो सकता है पांच हो सकता है छह हो सकता है वट लेकिन दो से कम नहीं होना चाहिए क्योंकि दो से कम अगर होगा सपोज यहां पे दो से कम मैं कर देती हूं ये हो गया और ये कितने कार्बन से अटैच है एक कार्बन से कनेक्टेड है तो ये स्पायरो कंपाउंड हो गया स्पायरो कंपाउंड हम लोग इससे पहले पढ़े थे उसका नॉमन नौ, क्लेचर भी देखे थे अगर वो वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो जाके पहले उस वीडियो को जरूर देखिए आप लोग तो, तो तो कन्फ्यूजन आपका क्लियर होगा कि स्पैरो क्या है और बाईसाइक्लो क्या है तो अगर एक कार्बन से दो रिंग कनेक्ट होते हैं तो उसको स्पैरो बोलते हैं और अगर दो कार्बन या दो से अधिक कार्बन से दो रिंग आपस में जुड़े होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड बोलते हैं ऐसे ही अगर एक और यहां पे रिंग कनेक्ट कर दू मैं ऐसे मान लो सपोज तो ये भी कनेक्ट है एक दो तीन रिंग कनेक्ट हो गए तो इसको ट्राई साइक्लो बोलेंगे ठीक है तो दो रिंग कनेक्ट है इसलिए हम लोग बाई साइक्लो बोले और दो रिंग कैसे कनेक्ट होने चाहिए दो या दो से अधिक कार्बन से कनेक्ट होने चाहिए ठीक है देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है मिनिमम टू ब्रिज हेड ब्रिज हेड कार्बन शुड बी नेसेसरी मिनिमम दो ब्रिज हेडर कार्बन तो होने ही चाहिए ब्रिज हेड कार्बन किसको बोल रहा है तो ये जो कार्बन ब्रिज ये देखो सब ब्रिज है ना ये पूरा एक ब्रिज है इधर वाला एक ब्रिज ये वाला है और एक ब्रिज ये तीन ब्रिज है यहाँ पे टोटल तो जो और ये जो है ये चूंकि दो ब्रिज को आपस में जोड़ रहा है इसलिए इसको ब्रिज हेड बोल रहे हैं तो ये ब्रिज हेड कार्बन और बाकी कार्बन ब्रिज के कार्बन है ठीक है इधर फर्स्ट वाला ब्रिज के कार्बन ये सेकंड वाला ब्रिज के कार्बन तो बाकी कार्बन को ब्रिज कार्बन बोलेंगे ये दोनों जो कनेक्टेड रहेंगे उसको हम लोग ब्रिज हेड कार्बन बोलेंगे ये भी ध्यान रखना ना ठीक है अब इसका रूल्स क्या है नेमिंग के लिए रूल्स देखते हैं तो जैसे मैंने स्पायरो के लिए एक रूल बनाया था वैसे यहाँ पे मैंने एक रूल लिख दिया है देखो क्या दिया हुआ है कि सब्स्टिट्यूएंट का नेम पहले लिखना है आपको अगर कोई सब्सटीट्यूएंट है तो हमेशा लिखना ही है ऐसा नहीं है ना अगर कोई सब्सटीट्यूएंट है तो यहाँ पे आप इफ एनी लिख दो इफ एनी अगर है कोई तो फिर सब्सिट्यूएंट के नेम के बाद बाई साइक्लो यहाँ पे प्रिफिक्स लगाएंगे स्पैरो वाले में स्पैरो लगाते थे चूंकि ये बाई साइकिल कंपाउंड है तो यहाँ बाई साइक्लो लगाएंगे फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर ऑफ कार्बन इन ऑल ब्रिज सभी ब्रिज में कितने कार्बन है वो नंबर लिखेंगे किससे सेपरेट करके डॉट से या कॉमा से भी सेपरेट कर सकते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पर यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर है स्पैरो वाले में इंक्रीजिंग ऑर्डर था याद रखना यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं बस ये ये डिफरेंस है ना स्पैरो अलग है ये ये अलग है थोड़ा फिर मेन चेन का नाम लिखेंगे सेम वैसे ही जैसे स्पैरो में लिखते थे और फिर अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसका नाम लिखेंगे क्लियर है एक बार इस, रू, इस रूल के हिसाब से मैं आपको नाम लिख करके बताती हूँ सबसे पहले सब्सटीट्यूएंट का नाम इसमें भी सब्सटेटेंट नहीं है इसमें भी सब्सिटी नहीं है केवल रिंग है केवल कार्बन का चैन है ना तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा इसको तो छोड़ दो फिर सबसे पहले यहां से आ जाते हैं बाई साइक्लो तो इसका नाम पे क्या हो जाएगा सबसे पहले बाई साइक्लो पहले मैं इसका नाम लिखती हूँ ये थोड़ा छोटा है ना बाई अब नेक्स्ट क्या करना है नंबर ऑफ कार्बन इन ऑल ब्रिज सेपरेटेड विथ डॉट दोनों सभी ब्रिज में कितने नंबर ऑफ कार्बन है तो इस ब्रिज में कितने नंबर कार्बन है ये वाला ब्रिज जो है ध्यान से देखना ये एक ब्रिज है ये दो ब्रिज है और ये तीन ब्रिज है तीन ब्रिज है टोटल ना सभी ब्रिज में तो इस फर्स्ट वाले ब्रिज में हाँ एक चीज याद रखेंगे कि ये फर्स्ट ब्रिज हो गया ये यहाँ पे सेकंड ब्रिज हो गया और थर्ड ब्रिज ये वाला हो गया ना तो यहाँ पे वन टू दो कार्बन है सेकंड ब्रिज में भी दो कार्बन है और थर्ड ब्रिज में तो कोई कार्बन नहीं है इधर ब्रिज हेड कार्बन नहीं पूछ रहा है ना ब्रिज वाला कार्बन पूछ रहा है तो थर्ड में कोई कार्बन नहीं है तो यहाँ पे दो कार्बन यहाँ पे दो कार्बन और यहाँ पे जीरो कार्बन तो ये क्या हो जाएगा टू टू सॉरी यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ठीक है डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग लिख रहे हैं टू टू जीरो अब नेक्स्ट क्या लिखना है मेन चेन का नाम लिखना है तो मेन चेन का नाम क्या है यहाँ पे मेन चेन का नाम है टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे गिनती करो मेन चेन का नाम आपको समझ में आ जाएगा तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो रहे हैं तो ए, अभी कार्बन का नंबर कैसे गिनती करना है ये मैंने बताया नहीं है मैं आगे बताऊंगी पर मैं अभी जो मुझे पहले से पता है मैं उसके हिसाब से पे बता टोटल ऐसी कार्बन गिन लो क्योंकि नंबरिंग मैंने नहीं, नहीं बताया तो अभी मैं ऐसे ही बताती हूं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टोटल सिक्स मतलब हैगजेन हो जाएगा यहाँ पे तो नाम क्या हो गया बाईस साइक्लो टू टू जीरो हैगजेन इसमें तो कुछ था ही नहीं करने के लिए अब हम लोग इसका नाम लिख करके देखते हैं सबसे पहले क्या हो जाएगा बाई साइक्लो ठीक अब ये फर्स्ट रिंग ये सेकेंड रिंग और ये सॉरी सेकेंड ब्रिज और ये थर्ड ब्रिज फर्स्ट ब्रिज में कितने कार्बन है वन टू थ्री फोर चार कार्बन सेकेंड ब्रिज में वन टू थ्री फोर चार कार्बन और थर्ड वाले ब्रिज में जीरो कार्बन कोई कार्बन नहीं है ना ब्रिज हेड वाले कार्बन को नहीं देखना है फिर से बता रही हूं मैं तो ये हो जाएगा फोर फोर जीरो टोटल कितने कार्बन है यहाँ पे टोटल दस कार्बन है देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो ये क्या हो जाएगा डेकेन, ठीक अभी मैंने नंबरिंग करना नहीं सिखाया मैंने कहा ना तो ये इस हिसाब से नाम लिखना है ये तो हो गया अब रूल्स क्या क्या है इसमें और कैसे क्या क्या रूल हम लोग को फॉलो करना पड़ सकता है ये देख लेते हैं तो देखो सबसे पहला जो रूल है बाईसाइक्लो प्रिफिक्स यूज करना है वो तो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले भी किए ही यूज नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा तो फ्रॉम लार्ज ब्रिज देन स्मॉल पहले हम लोग बड़े ब्रिज का नाम लिखेंगे फिर छोटे ब्रिज का नाम लिखेंगे है ना तो यहाँ पे तो दोनों ब्रिज सेम था ये भी चार कार्बन का था ये भी चार कार्बन का था लेकिन ये दो ये जीरो कार्बन का था इसलिए सबसे थर्ड नंबर मैंने इसे ही दिया था इसको फर्स्ट इसको सेकंड इसको थर्ड दिया मैंने या आप ये कर सकते थे कि ये फर्स्ट ये सेकंड लेकिन थर्ड तो यही होता है क्यों क्योंकि यहाँ चार कार्बन है यहां भी चार कार्बन है तो दोनों फर्स्ट या सेकंड दोनों जा सकते हैं लेकिन ये दो ही कार्बन है तो ये सबसे लास्ट ही आएगा ना तो ब्रिज में देखना है हम लोग को लार्ज ब्रिज वाले को पहले नंबरिंग करेंगे फिर स्मॉल ब्रिज वाले को करेंगे गिव लेसन नंबर टू सब्सटीट्यूएंट डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ये तो ऐसे ही है फंक्शनल ग्रुप शुड बी नेम्ड सेम एज लॉ जो नॉर्मल लॉ होता है उसी के हिसाब से फंक्शनल ग्रुप का नाम हम लोग को करना है ठीक है अब हम लोग इसमें एक और चीज क्या देखेंगे कि जो नंबरिंग होता है वो स्टार्ट होता है यहां पे यहां पे मैंने ये पॉइंट लिखना मैं भूल गई थी क्या लिखा है मैंने नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम लार्ज ब्रिज देन स्मॉल और नंबरिंग जो स्टार्ट होता है वो ब्रिज हेड कार्बन से होता है ब्रिज हेड कार्बन से ये अभी अभी हम लोग बनाएंगे जब एग्जाम्पल तो आपको दिख जाएगा समझ में आ जाएगा तो यहां पे देखो इसको हम लोग सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल एक चेक करते हैं ये वाला है ना यहाँ पे क्या है तीन ब्रिज है एक ये वाला ब्रिज है एक ये वाला ब्रिज है और एक ये बीच वाला है, है? ब्रिज है ठीक है ब्रिज हेड कार्बन ये है दोनों अब इधर ब्रिज है कितने कार्बन से वन टू और इधर का ब्रिज वन टू और यहाँ का ब्रिज वन तो यहाँ दो कार्बन है इस ब्रिज में यहाँ दो कार्बन इस ब्रिज में यहाँ वन कार्बन है इस ब्रिज में तो सबसे बड़ा कौन है दो कार्बन वाला तो अब इधर वाले को बोलो या इधर वाले को तो इसको मैं फर्स्ट रिंग बोल देती हूँ या फर्स्ट ब्रिज बोल देती हूँ इसको सेकंड ब्रिज और इसमें चूंकि एक कार्बन है तो ये सबसे लास्ट में आएगा थर्ड ब्रिज अब नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे तो ब्रिज हेड कार्बन से तो यहां से स्टार्ट करो या यहां से स्टार्ट करो चलो मैं चूंकि ये नीचे जगह खाली है इसलिए मैं यहां से करी हूं आप यहां से भी कर सकते हो तो वन हो गया जाएंगे किधर पहले जो लंबा रास्ता हो जो लंबा ब्रिज हो तो दोनों ब्रिज एक बराबर है इधर वाला भी इधर वाला भी पर ये छोटा है तो इसमें तो जाना नहीं है तो या तो यहां जाओ या तो यहां तो यहां वन टू थ्री फोर ये फोर हो गया अब क्या हो जाएगा फाइव लंबे वाले का हो गया तो अब छोटे उसके बाद वाले को जाओ फाइव सिक्स और लास्ट में इसको कर दो सेवन पहले लंबे वाले ब्रिज में फिर उससे छोटे वाले ब्रिज में फिर सबसे छोटे वाले ब्रिज में ऐसे जाना है ना अब इसका नाम क्या हो जाएगा तो सबसे पहले तो सफिक्स यूज करेंगे क्या प्रिफिक्स यूज करेंगे क्या बाई साइक्लो फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट में कैसे लिखना है नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे ज्यादा कार्बन दो कार्बन यहां दो कार्बन यहां तो टू डॉट टू और इसमें एक वन टू डॉट टू वन टोटल कितने कार्बन दिख रहे हैं सात तो ये क्या हो जाएगा है क्लियर है इसमें देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले ब्रिज हेड कार्बन पहचान लो तो ये ब्रिज हेड कार्बन है तीन ब्रिज हैं एक इधर वाला एक बीच वाला और एक ये वाला कौन सबसे बड़ा ब्रिज है तो क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे एक दो दो कार्बन है इस ब्रिज में यहाँ पे एक कार्बन है इस ब्रिज में और यहाँ पे भी एक कार्बन है इस ब्रिज में तो सबसे पहला ब्रिज ये होगा फिर दूसरा ब्रिज इसको लो या इसको लो किसी को भी लि हम लोग इसको ले लेते हैं चलो दूसरा ब्रिज और ये तीसरा ब्रिज ठीक है ऐसे ही होगा ना अब हम लोग नंबरिंग करते हैं तो यहां से स्टार्ट करेंगे ब्रिज हेड से या यहां से करो या यहां से करो सॉरी सॉरी यहाँ है ना ब्रिज हेड ये ये गलत हो गया थोड़ा सा ना इसको ध्यान रखें ये ब्रिज हेड कार्बन है ये वाला नहीं है तो यहाँ पे टोटल कितने कार्बन हुए वन टू थ्री यहाँ थ्री कार्बन हो जाएंगे है ना तो अब यहां से शुरू करो या तो या तो यहां से शुरू करो तो मैं यहां शुरू करती हूँ वन जाएंगे किधर पहले लंबे ब्रिज की ओर तो ये हो जाएगा टू थ्री फोर फाइव नेक्स्ट इसमें जाएंगे छोटे में तो छोटा तो दोनों ही है ये सिक्स और ये वाला हो जाएगा सेवन ठीक है तो अब क्या हो गया नाम बाईसोफिक्स प्रि यूज कर लिए स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर ऑफ कार्बन यहां पे तीन है दूसरे वाले ब्रिज में एक है और तीसरे वाले में भी एक है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिए सात कार्बन वाला है तो क्या हो जाएगा हेप्टेन इसमें आते हैं यहाँ पे क्या क्या है ब्रिज कार्बन ये और ये ठीक है नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा यहाँ पे कितने कार्बन एक दो तीन टोटल तीन कार्बन यहां पे एक दो कार्बन यहां पे एक कार्बन ठीक है तो अब यहाँ पे नंबरिंग हम लोग क्या दे देंगे ये वाला फर्स्ट वाला ब्रिज हो जाएगा दो कार्बन वाला फिर सेकेंड वाला ब्रिज और एक कार्बन वाला थर्ड वाला ब्रिज अब नंबरिंग कहा से स्टार्ट होगा ब्रिज हेड कार्बन से या तो यहां से करो या तो यहां से करो तो ये हो जाएगा वन कहा जाएंगे बड़े ब्रिज की ओर तो टू थ्री फोर फाइव फिर कहा जाएंगे उससे सेकेंड नंबर के ब्रिज की ओर सिक्स सेवन और ये हो जाएगा एट अब इसका नाम क्या हो जाएगा आ, कोई भी सब्सटिट्यूएंट लगा नहीं है यहाँ पे हाँ कोई सब्सटीट्यूएंट नहीं है तो डायरेक्ट इसका नाम हम लोग लिखते हैं बाई साइक्लो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा यहाँ तीन कार्बन फिर दो कार्बन सॉरी तीन थ्री लिखना है केवल ना कार्बन नहीं लिखना है फिर वन और फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करके आठ कार्बन वाला है तो ये हो जाएगा ऑक्टेन नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं यहाँ पे देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और एक सब्सिट्यूट भी लगा हुआ है तो सबसे पहले तो ब्रिज हेड कार्बन को पहचानो ये हो गया ब्रिज हेड कार्बन ये बड़ा ब्रिज दिख रहा है देखने से स्पष्ट है ये छोटा ब्रिज है है ना तो ये फर्स्ट ब्रिज ये सेकंड ब्रिज और ये थर्ड ब्रिज नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे डबल बॉन्ड पास पड़े वहां से शुरू करना है अब देखो वन जाएंगे इधर ही इधर नहीं जा सकते क्योंकि सेकंड ये छोटा वाला ब्रिज है छोटे ब्रिज में जाना नहीं है बड़े ब्रिज में जाना है तो ये हो जाएगा टू थ्री ये हो जाएगा फोर ये फाइव ये सिक्स अब हम लोग कहा जाएंगे इसमें नहीं जाकर के यहां पे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा सेवन और ये एट यहां तो जाने के लिए वैसे भी जगह नहीं था अब टोटल नाम क्या हो जाएगा इसका देखो सबसे पहले सब्सटीट्यूएंट का नाम लिखना है तो सब्सिट्यूएंट क्या है यहां पे क्लोरो कौन से नंबर पे एट नंबर पे तो एट क्लोरो उसके बाद कोई सबस्टेटमेंट नहीं है तो बाई साइक्लो लिखो स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर ऑफ कार्बन तो फर्स्ट वाले रिंग में कितने कार्बन है वन टू थ्री फोर सेकेंड वाले रिंग में कितने कार्बन है वन टू और थर्ड वाले रिंग में कोई कार्बन नहीं है ब्रिज कार्बन कोई नहीं है ब्रिज हेड कार्बन है ना ब्रिज कार्बन को लिखना है टोटल कितने कार्बन है आठ तो ये क्या हो जाएगा ऑक्ट डबल बॉन्ड है इसलिए यहां पे टू नंबर पे इन लगा देंगे ऑक्ट टू इन एट क्लोरो बाई साइक्लो फोर टू वन ऑक्ट टू इन नेक्स्ट इसको देखो देखने में बस डिफिकल्ट लग रहा है एकदम इजी है सुपर इजी अब यहां पे देखो ब्रिज हेड कार्बन कौन कौन से हैं तो ब्रिज हेड कार्बन तो यहाँ पे ये है और ये है ठीक है एक ब्रिज इधर को जा रहा है एक ब्रिज इधर को जा रहा है एक ब्रिज ये वाला है है ना अब ब्रिज हेड कार्बन से सारे ब्रिज में नंबर ढूंढ लेते हैं ये फर्स्ट वाले ब्रिज में कितने कार्बन है वन टू दो कार्बन सेकेंड वाले ब्रिज में कितने कार्बन है यहाँ पे एक कार्बन और यहाँ पे वन टू टू कार्बन तो ये फर्स्ट ले लेते हैं हम लोग रिंग इस ब्रिज इसको सेकंड ब्रिज बोल देते हैं और इसको थर्ड ब्रिज बोल देते हैं है ना ठीक अब नंबरिंग करते हैं स्टार्ट तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगा ब्रिज हेड कार्बन से या तो यहां से करो या तो यहां से करो यहां पे सब्सटीट्यूमेंट लगा तो यहीं से करेंगे तो वन टू थ्री फोर अब फर्स्ट रिंग के बाद सेकंड फर्स्ट ब्रिज के बाद सेकंड ब्रिज में जाएगा तो ये फाइव और ये सिक्स एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं अगर हम लोग इसको दूसरा नंबर दे सकते थे क्या बिल्कुल दे सकते थे मुझसे हाँ, यहां पे थोड़ा सा गलती हो गया यहां भी दो कार्बन है यहां भी दो कार्बन है तो इसको फर्स्ट रिंग और इसको सेकंड रिंग मैंने लिया है ऐसा नहीं करना है क्योंकि यहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है और दोनों में दो कार्बन ही है तो मैं इसको फर्स्ट रिंग लेना चाहिए मुझे और इसको सेकंड रिंग लेना चाहिए जिसमें सबसे है उसको प्रायोरिटी देनी है ना हमको तो अब नंबरिंग जो है वो हमारा चेंज हो जाएगा मैं फिर से लिखती हूँ टू इधर नहीं आकर के वन टू देखो अब फंक्शनल ग्रुप को दूसरा नंबर मिल गया ये थ्री ये फोर ठीक है ये हो जाएगा फाइव ये हो जाएगा सिक्स और इसके बाद ये वाला कार्बन जो है ये हो जाएगा सेवन ठीक है थोड़ा सा हॉचपच हो गया पर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा अब इसका नाम लिखते हैं तो सबसे पहले क्या करना है सब्सिट्यूंट का नाम लिखना सब्सिट्यूएंट का है पहले नंबर पे और सब्सिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप का है दूसरे नंबर पे सब्सटीट्यूएंट और कहां है सातवें नंबर पे भी देखो इधर भी मेथिल ग्रुप है इधर भी मेथिल ग्रुप है यहाँ सी एच थ्री लगाए ना ठीक तो पहले और सातवें नंबर पे है सब जगह क्या है मेथिल ग्रुप तो पहले नंबर पे और सातवें नंबर पे क्या है एक दो तीन मेथिल तो हो जाएगा ट्राई मेथिल वन सेवन ट्राई मेथिल फिर बाई साइक्लो फिर ब्रैकेट लगाओ अब ब्रैकेट में दोनों रिंग में दो दो कार्बन है और इसमें एक कार्बन है तो टू टू वन ब्रैकेट क्लोज टोटल कितने कार्बन है टोटल यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन मतलब हेप्ट हेप्टेन है लेकिन यहाँ पे यहाँ पे कीटोन ग्रुप कीटोनिक ग्रुप भी लगा हुआ है ना तो हम लोग हेप्टेन लिख करके क्या लिखेंगे दूसरे नंबर पे यहां पे कीटोन ग्रुप है टू ओन ये पूरा नाम हो जाएगा इसका ट्राई मेथिल बाई साइक्लो टू टू वन हेप्टेन टू ओन नाम से कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगी तो इसके बाद का वीडियो यही रहेगा कि नाम से फिर कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे जनरेट करना है तो वीडियो में मेरे साथ बने रहना और नोटिफिकेशन बिल्कुल प्रेस कर देना ताकि जब मैं वो वाला वीडियो बनाऊं तो उसका भी नोटिफिकेशन आप लोग को आराम से मिल जाए अब देखो यहां पे ये तो देख के भी नहीं लग रहा कि बाई साइकिलो है लेकिन ये बाई साइक्लो ही है ना ब्रिज हेड कार्बन ये है ये है एक ब्रिज ये वाला है ये पूरा एक ब्रिज ये ऊपर की ओर बना हुआ है और एक ब्रिज ये इधर की ओर बना हुआ है ठीक है इस ब्रिज में सब्सिट्यूएंट है तो ये ब्रिज को हम लोग पहले प्रायोरिटी दे सकते हैं लेकिन पहले नंबर ऑफ कार्बन गिनती करेंगे तो यहाँ पे एक दो तीन चार चार कार्बन है इस ब्रिज में एक दो कार्बन है इस ब्रिज में एक दो कार्बन है कोई बात नहीं तो ये चार कार्बन वाला तो फर्स्ट रिंग हो जाएगा फर्स्ट ब्रिज हो जाएगा दो कार्बन वाले में किसी को भी सेकेंड ब्रिज मान लो और किसी को भी थर्ड ब्रिज मान लो दोनों में से अब ये फर्स्ट ब्रिज का नंबरिंग पहले करना है और नंबरिंग स्टार्ट कहां से होता है ब्रिज से यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये वन ये टू और ये थ्री सब्सटीट्यूंट को थ्री नंबर मिलेगा यहां से स्टार्ट करेंगे तो वन टू थ्री फोर सब्सटीट्यूएंट को फोर मिलेगा तो हम लोग थ्री वाला चूज करेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब उसके बाद किसी भी रिंग में जाओ सेवन एट फिर इसमें आ जाओ वापस ये वाले में नाइन और ये टेन किसी कहीं से भी ना यहां भी नाइन यहाँ भी टेन आप दे सकते हो कुछ भी हो सकता है वो अब क्या हो जाएगा एक सब्सिट्यूएंट है थर्ड नंबर पे तो थ्री मेथिल ग्रुप लगा है तो मेथिल ही लिख रही हूं मैं फिर हो जाएगा बाईस फिर फर्स्ट वाले ब्रिज में एक दो तीन चार कार्बन थे तो चार दूसरे और तीसरे रिंग में दो दो थे फोर टू 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 टोटल कितने कार्बन है दस तो ये हो जाएगा डेकेन डेकेन और अगर कोई सब्सटिट्यूवेंट कहीं पे लगा होता तो हम लोग उसको भी लिखते पर यहां पे कोई सब्सटीट्यूवेंट नहीं लगा हुआ है ठीक है तो थ्री मेथिल बाई साइक्लो फोर टू टू एकदम इजी सुपर इजी ऐसे इसका नाम करना है बाईसाइक्लो कंपाउंड्स का तो आई होप आप लोगों को ये बाईसाइक्लो वाला भी समझ आया हो इससे पहले स्पायरो वाला भी आ चुका है वीडियो उसको भी आप लोग देखो ये बाईसाइक्लो वाला है और आराम से इसके क्वेश्चन आप लोग फिर एग्जाम में सोल्व कर सकते हैं तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना की कोई क्वेश्चन आप लोगों से अगर कि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना मुझे यहाँ पे देखो कुछ मैंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं बायसाइक्लो कम्पाउंड के इसको आप लोगों को सॉल्व करना है इसका फोटो क्लिक कर लो स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप लोग सॉल्व करके बताओ इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें मैं इसका सोल्यूशन अपलोड करूंगी तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहना सोल्यूशन अपलोड करूंगी तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसको चेक करना फिर अपने आंसर को क्रॉस चेक करना थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग